नमस्कार, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी के इस खास प्रोग्राम मुद्दा क्या है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा क्या है में आज है हमारा मुद्दा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को अगर देखा जाए तो इसके 6 बड़े नुकसान जो हैं, उसमें सबसे पहला तो है सड़कों की हालत इससे ख़राब होती है। दूसरा, सड़क सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ख़तरनाक है। तीसरा, ट्रक की लाइफ इससे कम हो जाती है। चौथा, सरकार का रेवेन्यू इससे कम होता है। पांचवा, इससे पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। और छठी और सबसे ख़तरनाक बात इसमें यह है कि जैसे नागिन अपने अंडों को खा जाती है, उसी तरीके से ओवरलोडिंग अपने ही ट्रेड को खा रही है। जहां पर 4 या 5 ट्रकों को काम मिलना होता है, वहीं पर 2 ट्रक ओवरलोड होकर वो 3 ट्रकों का माल खा जाते हैं। तो पूरे सेक्टर को इस ओवरलोडिंग की बीमारी से नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके सरकारों का एटीट्यूड इसको लेकर बहुत ही ढीला है। तो ओवरलोडिंग के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कुलविंदर सिंह ग्रेवाल जी से, जो पंजाब की ग्रेवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं। बहुत ही सक्सेसफुल एक ट्रक ट्रांसपोर्ट की कंपनी ये चलाते हैं। तो उनसे जानेंगे कि ओवरलोडिंग की जो समस्या है वो उनके खुद के बिजनेस को और पूरी पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रभावित कर रही है। तो आइए मिलते हैं कुलविंदर सिंह ग्रेवाल जी से। सर, मुद्दा क्या है कि इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। काफ़ी सालों से ये दावे हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकारों द्वारा भी कि देश में ओवरलोडिंग बंद हो गई है, गाड़ियां अंडरलोड चल रही हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है तो ये कहां तक सही है? यहां पर अंडरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल या ओवरलोड चल रही है? नहीं, यहाँ तो कोई अंडरलोड गाड़ियाँ नहीं चल रही, यहाँ तो ओवरलोड गाड़ियाँ ही चल रही हैं। ओके, अंडरलोड की पॉलिसी हमने बहुत दफ़ा सरकार के दफ्तर में पहुंचाने की कोशिश भी की थी और ऑफिसर्स को भी पर्सनल लेवल पे बोला गया था कि सारे हिंदुस्तान में जो अंडरलोड हो चुका है तो आप पंजाब में भी अंडरलोड करो, बिकॉज़ हरियाणा, हिमाचल जो साढ़े एडजॉइनिंग स्टेट हैं तो गाड़ी हमारी जो बाहर नहीं जा सकती, जो हमने जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारे पास तो ओवरलोड है, अगर हमने हरियाणा का माल लेके जाना है कि क्रशर, बजरी, एग्रीगेट्स वगैरह, हिमाचल का लेके जाना है, सो हम उसको लेके नहीं जा सकते, बिकॉज़ वहाँ तो अंडरलोडिंग है, हमारी गाड़ी जो है ओवरलोडेड है। तो इसलिए पंजाब सरकार ने अभी तक इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। सर, जो टिप्पर सेगमेंट होती है जिसका आपका बिजनेस है, ये थोड़ी सी आम जो ट्रकिंग है उससे थोड़ा सा हटकर होता है इसका बिजनेस मॉडल, तो जो पूरी जो आप टिप्पर सेगमेंट की बात कर रहे हैं ओवरलोड चल रही है या बाकी सारी सेगमेंट्स भी ओवरलोड ही है पंजाब में? सो हम तो जो हमारा जो बिजनेस है, वी आर द ट्रांसपोर्टर इन द टिप्पर लाइन्स। सो हमारा काम है सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को रोड कंस्ट्रक्शन के जो काम कर रही हैं उनको एग्रीगेट्स की सप्लाई, जिसमें क्रेशर, बजरी, सैंड, ग्रेवल्स वगैरह सारा कुछ आता है। तो हम तो उसी का, हमारे पास तो टिपर का ही बिजनेस है, दूसरी गाड़ियों का हमें पता नहीं है। वैसे हमें इतना ज्ञान जरूर है कि क्योंकि गाड़ियां ऑल दूसरी व्हीकल जितनी भी हैं इंटरस्टेट से जाती हैं, तो वो नेचुरली वो अंडरलोड ही जाती हैं। इंटरस्टेट आपका कहने का मतलब अंडरलोड है, लेकिन जो इंटरस्टेट स्टेट के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो सारी ओवरलोड चलती हैं। वो मे भी ओवरलोड चल सकती हैं, चलती भी होंगी, क्योंकि टिपर सेगमेंट में पूरी ओवरलोड, टिपर सेगमेंट में पूरा फुल ओवरलोडेड चलता है। तो सर, आप खुद जो टिपर सेगमेंट में बड़ी कंपनी है ग्रेवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी, और आप खुद ही कह रहे हैं कि ओवरलोड चल रहा है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बंद करते ओवरलोड करना? हमारी मजबूरी ये है कि हमें कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनियां जहां काम कर रही हैं, बिल्डिंग के काम कर रही हैं, रोड्स के काम कर रही हैं, हमें रेट्स नहीं दे रहे। ना ही कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी है। जैसे सरकार ने बसों के बिल्कुल किलोमीटर रेट्स फिक्स कर रखे हैं जी, जब भी अभी डीजल इंक्रीज हो गया तो सरकार ने उसी अकॉर्डिंगली उसके किलोमीटर के पैसे भी बढ़ा दिए जी। सो ट्रकों की तरफ तो किसी सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। भाई, ट्रकों वालों भी कोई आदमी है। तो आपका सर, आप कह ये रहे हैं कि कंपटीशन है
और कंपनियों का जो प्रेशर है उस वजह से आप लोगों को ओवरलोड करना पड़ता है, अभी ये कह रहे हैं? हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कंपनीज वाले जो भी है वो पैसा बहुत कमा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब वो टेंडर देते हैं तो टेंडरों में वो जो अपने रेट कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस बनाते हैं रेट के, तो वो अंडरलोड को मद्देनज़र रखते हुए रेट बनाते हैं। तो हमको वो रेट नहीं देते, हम मांगते हैं कि हमें भाई अंडरलोड का रेट दे दो, वो तो ओवरलोड का भी रेट उतना दे देते जितना मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जब वो सरकार को रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर वगैरह भरते हैं तब वो अंडरलोड गाड़ी का रेट भरते हैं उनके पास, हाँ। तो लेकिन जब आपको पेमेंट, आपको चाहते हैं कि वो आप ओवरलोड करें, हमें तो ओवरलोड लेते हैं, ओवरलोड करें और उनसे कम से कम रेट लें, कम से कम। आप में, आपकी इंडस्ट्री में इतनी यूनिटी नहीं है कि सभी बोल दें कि जी हाँ जी हम तो ठीक है अंडरलोड ही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता? टिप्पर लाइन्स में कोई यूनिटी नहीं है, कोई इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसकी यूनियन नहीं है, हर आदमी का, किसी के एक ट्रक है, किसी के दो ट्रक है, जिस ज़्यादा मोस्टली लोगों ने बहुत गाड़ियाँ डाल ली हैं, भी पता नहीं इस बिजनेस में कितना का फ़ायदा है। मोस्टली जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो कैलकुलेशंस पूरी नहीं कर रहे, पूरे एनालिसिस नहीं बना रहे। सो मैं एजुकेटेड हूँ, रिटायर्ड क्लास वन ऑफिसर हूँ, मैं तो अपनी कैलकुलेशन के साथ अपने बिजनेस को चलाया, ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हमने तो इसी कैलकुलेशन के बेस के किया। आज की डेट में हमें ओवरलोड में जाके भी कम से कम जो हमारी कॉस्टिंग अभी आ रही है पर किलोमीटर पर टन की, वो 2.5-3 रुपये किलोमीटर पर टन की कॉस्टिंग आ रही है, मगर जो लोग काम कर रहे हैं वो 2.25 रुपये से लेके 2 रुपये 2 रुपये 10 पैसे, 2.25 रुपये से 2 रुपये 10 पैसे तक काम लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल टोटली लॉस में काम कर रहे हैं सारे। ओके, तो उसका दो रीज़न आप बता रहे हैं कि एक तो सप्लाई ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा डाल रही हैं लोगों ने, और दूसरा कैलकुलेशन खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्टिंग अपनी निकाल नहीं पा रहे हैं और अंडर कॉस्ट काम करी जा रहे हैं, अंडर कॉस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो आम लोगों का जो है वो कॉस्टिंग करने का तरीका क्या है कि अगर सपोज़ यहाँ से माल लुधियाना का भरा तो 40 टन माल भरा, 40 टन में इतने का मटेरियल निकल गया, इतने का डीजल निकल गया, बाकी पैसे हमें बच गए, तो कोई वो ना तो टायरों को कैलकुलेट करते हैं, ना वो अपने रिपेयर को कैलकुलेट करते हैं, ना ड्राइवर की कॉस्टिंग पाते हैं, ना वो अपने परमिट की पाते हैं, ना इंश्योरेंस की पाते हैं, ना वो डेप्रिसिएशन पाते हैं, ना वो जो हमारे ट्रकों में जो अनफेयर एक्सीडेंटल हो जाते हैं उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती। सो उसके वजह से जो है वो कॉस्टिंग नहीं कर पाते, तो देन थोड़ी देर बादों में ट्रक ट्रुक बिक जाते हैं। तो सर ये मैं आपकी बात समझ गया जी कि ऑपरेटर्स की क्या मजबूरी है वो आपने समझाया, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है? सरकार ओवरलोड को क्यों नहीं रोक रही, रोकना क्यों नहीं चाहती पंजाब में? सरकार दी तो ये कोई मजबूरी इसमें तो कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को तो बेनिफिट है अगर अंडरलोडिंग करते हैं, सरकार को तो बहुत बेनिफिट है। जैसे सरकार अभी सपोज़ पंजाब में सपोज़ 2000 ट्रक चल रहा है, सपोज़ टिप्पर 2000 सारे पंजाब में सपोज़ काम कर रहा है, अगर ये अंडरलोडिंग बंद होती है, ओवरलोडिंग बंद होती है, अंडरलोडिंग को स्टार्ट करते हैं, तो ये नेचुरली 2000 जो है वो अपनी गाड़ियों को, बॉडी को कटवाएंगे, वो अपनी गाड़ियों को स्टैंडर्ड वेट पे लेके आएंगे, 25 जो भी स्टैंडर्ड वेट है, जो भी हमारे पासिंग होती है जी। तो काम करने के लिए जो कंपनीज हैं वो हमें बैठे हमारे साथ मीटिंग करेंगी, रेट को रिवाइज करेंगी, हमें प्रॉपर रेट मिलेगा, और सरकार को ये है कि नई गाड़ियां और पड़ेंगी तो टैक्स मिलेगा, जो नई गाड़ियां और पड़ेगी, अभी 2000 गाड़ी है, 2000 गाड़ी को जब अंडरलोड हो गई गाड़ी, तो नेचुरली 2000 जब गाड़ी का काम है, पंजाब की डिमांड है 2000 गाड़ी की, तो 2000 गाड़ी और डलेंगी। तो जो आपका जो 10 टायरी गाड़ी होती है जिसका आपने बताया कि लगभग 28 टन GVW है, 18 टन वो डाल सकती है, तो कितना लेके चलती है नॉर्मली? तो अभी नॉर्मल जो है तो कम से कम 35-40 टन लेके जाते हैं, मोर डबल से भी ज्यादा। तो उसमें क्या है, डबल से ज़्यादा क्या है, हमारी सरकार की रोड्स टूटती हैं जी, सरकार का रेवेन्यू जा रहा है, और मटेरियल की चोरी हो रही है, GST की चोरी हो रही है, बिलों की चोरी हो रही है, प्रॉपर वो बिल पूरे नहीं लेके जाते,
क्रेशर वाले पूरे बिल नहीं बना के देते, माइनिंग पंजाब की बंद है, तो हर आदमी चोरी करने की कोशिश करता है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर दो नंबर का काम नहीं होगा तो ऊपर की कमाई भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बंद हो जाएगी, शायद इसीलिए वो इसे चलता रहने देना चाहते हैं? वो तो ये दिस इज आल्सो वन पॉइंट, मतलब ये तो होता ही है। अगर ओवरलोड जा रहे हैं तो कोई भी आदमी, उसको कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी, पुलिस हो, डीटीओ ऑफिस हो, माइनिंग ऑफिस हो, वो उसको कभी भी चेक करके उसको फाइन कर सकते हैं। जे कोई ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर फाइन नहीं करवाएगा, नेचुरली वो उसको ब्राइब उसको देगा। सो उसको ब्राइब देके अपना वो निकल जाएगा तो लॉस तो गवर्नमेंट का हो गया ना, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो एक दिन में ही ओवरलोडिंग बंद हो सकती है। स्ट्रेटजी शायद ये रखते हैं कि 100 अगर ट्रक चल रहा है तो 5% के चलान करो, 20% से रिश्वत लो रैंडमली और बाकी चलने दो। ये तो होता ही है जी, ये तो ट्रांसपोर्ट लाइन में होता ही है। बस तो आपने क्या प्रेशर कोई गवर्नमेंट के ऊपर डाला कि इसको बंद करे? मैंने अपना पर्सनल लेवल पे केस तैयार किया था, उसमें एवरीथिंग्स मैंने उसमें नोट करके लिख के भेजा था। कोई कोर्ट की जजमेंट भी है? हाँ, कोर्ट भी जजमेंट है। 2013 में हाई कोर्ट ने टोटली बैन कर दिया था, अभी ओवरलोडिंग इज नॉट परमिटेड जी, तो वो हमारे पास उसकी ऑर्डर्स भी हैं, तो उसको भी नहीं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराओ, ओवरलोडिंग बंद कराओ, सरकार का रेवेन्यू बढ़े, सरकार को बहुत पैसा आएगा और प्रॉपर बिल जो हैं सारे आदमी पूरे काट के लेके जाएंगे, क्रेशर वाले भी पूरे बिल काट के देंगे। अभी क्रेशर वाले माल 40 टन होता है, बिल 15 टन का देते हैं, उसमें GST की चोरी होती है, सारा कुछ, माइनिंग की चोरी होती है, सभी चोरी। तो सरकार को ये सोचना है कि उनको टैक्स चाहिए या उनके अधिकारियों को वो चाहते हैं कि ऊपर की कमाई करते रहे? सीधी सीधी बात है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि अंडरलोड चलेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा सरकार को है, सबसे ज्यादा सरकार को है। सरकार के पास इतना रेवेन्यू आएगा कि सरकार सोच भी नहीं सकती कि हमने, अभी तो सरकार को कुछ नहीं आ रहा है। 2000 ट्रक ही उसको रोड टैक्स मिल रहा है, 2000 ट्रक का उसको परमिट का पैसा मिल रहा है, 2000 ट्रक की जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है वो मिल चुकी है। तो अगर वो बंद करते हैं तो नेचुरली 2000 ट्रक की और डिमांड मार्केट में आ जाएगी, उसमें 2000 ट्रक की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, परमिट फीस मिलेगी, रोड टैक्स टैक्स मिलेगा, दूसरा ये जो ब्राइब है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। सर एक जो आपने खुद माना कि ऑल इंडिया लेवल पे ओवरलोडिंग कम हुई है, काफ़ी हुई, उसमें हमारे हिसाब से शायद जो एक दिसंबर 2013 में एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें जब ये करा गया कि टोल के ऊपर ओवरलोड गाड़ी को 10 गुना टोल लगेगा, उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि टोल तो प्राइवेट कंपनी है, वो तो किसी को छोड़ेंगे नहीं रिश्वत लेके। तो एक सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये भी हो सकता है कि पंजाब के अंदर जितने टोल हैं, पंजाब में शायद किलोमीटर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा टोल पंजाब में है आज की डेट में, तो टोल पे वेइंग ब्रिज नहीं है क्या? अगर टोल पे वेइंग ब्रिज लग जाए तो उससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो सकती है? नहीं नहीं, टोल के ऊपर सभी वे ब्रिज लगे हुए हैं। ओके, जो गोडी गाड़ी में नॉर्मल लोड है उसका अलहदा उनका अमाउंट है जी टोल का, जो गाड़ी में ज़्यादा ओवरवेट है उसका ज़्यादा है, 10-20 गुना वाली कोई बात नहीं है। नहीं लॉजिकली जो हाँ वो थोड़ा अभी कम कर दिया परसेंटेज के हिसाब से कर दिया, बस वो थोड़ा थोड़ा है तो भी ऑपरेटर परवाह नहीं करते, वो दे देते एक्स्ट्रा टोल दे के भी उनको फायदा है? नहीं नहीं, ऑपरेटर तो परवाह नहीं करने वाली बात, इसमें ऑपरेटर को वो उतना पैसा देना पड़ता ही है, क्योंकि उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ी तो चलानी है, जैसे मर्जी चलाए उसको, क्योंकि उसने अपनी तनख्वाह भी देनी है, किस्त भी मोड़नी है, सरकार का पैसा जो टैक्स भी देना है, रोड टैक्स भी देना है, वो तो देना ही देना है। कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा टोल दे के भी ऑपरेटर मजबूर है ओवरलोडिंग करने को? ओवरलोड मजबूर कोई ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से ओवरलोड नहीं करता, हमारी पर्सनल मजबूरी है, हर ट्रक वालों की मजबूरी है, क्योंकि उसको रेट पूरा ना मिलने की वजह से ओवरलोड लेके माल जाना पड़ता है। मगर अगर अंडरलोड होता है तो और बेनिफिट होता है। हमने बनारस में काम किया, हम वहाँ अंडरलोड था, यूपी में बिल्कुल अंडरलोड था, तो मैंने अंदर भी सारा अंडरलोड टोटल अंडरलोड काम था, हमें वहाँ 6 रुपये टन पर किलोमीटर पर टन हमें रेट मिला, ठीक है, और 1 साल के अंदर हमें किसी पुलिस ने, किसी डिपार्टमेंट ने, किसी RTI ने हमें नहीं कभी गाड़ी चेक नहीं की,
बिकॉज हमने गाड़ियों को कटवा के बिल्कुल प्रॉपर शेप देके उनको प्रॉपर जो परमिसिबल लोड था उतना गाड़ियों को बना के फिर हमने गाड़ियाँ भेजी थी। पंजाब में जनरली एक परसेप्शन रहते हैं कि यूपी में जो करप्शन ज़्यादा है, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि पंजाब का हाल यूपी से ज़्यादा बुरा। बिल्कुल करप्शन नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है, वहाँ कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बेकार में वो किसी आदमी को गाड़ी नहीं, कोई आदमी रोकता अनलेस वो कोई लॉ की वायोलेशन नहीं करता। तो सर वैसे मेन बात तो जो निकल के आ रही है कि अभी तक सरकार ने इसके तरफ सोचा नहीं है या उसकी नीयत नहीं है पंजाब में ओवरलोडिंग बंद करने की, लेकिन फिर भी आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या एक दो स्टेप चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि ओवरलोडिंग बंद हो सकती है? देखो असी वी कैन वी आर रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट्स भाई हमें बुलाया जाए तो कम से कम सीएम साहब से हमारी मीटिंग फिक्स कराई जाए तो ताकि हम अपने वहाँ तकलीफ जो हमारी है वो हम वहाँ उनको बता सकें और इसके मेरिट डीमेरिट्स वो सारे हम इसको डिस्कस कर सकें बता सकें। तो ताकि जैसे अभी बसेस के किराए हैं, बसेस के किराए गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, तेल बढ़ गया बढ़ा देती है, घट गया घटा देती है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि अंडरलोड करके हमारे जो रेट्स हैं वो फिक्स किए जाएँ, फिक्स करके उनको परमानेंट रिकॉर्ड किया जाए ताकि कोई भी कंपनी वाला, कोई भी बड़ी कंपनी वाले जो भी हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उस रेट से नीचे किसी को कोई काम ना दे, ऊपर भला जितना मर्जी हो जाए तो नीचे उससे नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे सरदार कुलविंदर सिंह जी ग्रेवाल, ग्रेवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी पंजाब के मालिक। एक बात इस बातचीत से साफ हुई है कि ना सिर्फ छोटा जो ऑपरेटर है वो, बल्कि बड़े ऑपरेटर्स भी ओवरलोडिंग की समस्या से बेहद परेशान हैं, और जिनको ये भ्रम है उनका ये भ्रम टूटा होगा कि पंजाब में कोई ओवरलोडिंग अभी बंद नहीं हुई है, पंजाब के अंदर धड़ल्ले से ओवरलोडिंग चल रही है, जिसके मुख्य कारण ये है कि सरकार का या जो प्रशासन है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका ध्यान ही नहीं है ओवरलोडिंग को बंद करने का, या ये कहें कि वो चाहती हैं कहीं ना कहीं कि ओवरलोडिंग चलती रहे, इसीलिए ही शायद, क्योंकि बाकी देश में अगर ओवरलोडिंग बंद हो सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं बंद हो सकती है। खुद ऑपरेटर एक नंबर का काम करना चाहते हैं, जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स की भी कुछ देर पहले हमने बात करी थी, उसी तरीके से ये ऑपरेटर जो हैं, जो टिप्पर ऑपरेटर है कह लीजिए, ये भी एक नंबर का काम करना चाहते हैं, और खुद सरकार चाहते हैं कि सरकार उन्हें अप्रोच करे, उनसे मिले, उनसे डिस्कस करे और इस समस्या को समझे। वो अंडरलोड चलना चाहते हैं तो एक प्रोग्राम वो चाहते हैं कि पहले सरकार बनाए, तो वो अंडरलोड चलने को तैयार हैं, वो चलना चाहते हैं, वो फिलहाल मजबूर हैं ओवरलोडिंग करने के लिए। तो ये इनका संदेश है कि सरकार उन्हें बुलाए और डिस्कस करें उनसे ये समस्या। तो कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्ट की हर तरह की हर खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।